गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि दुनिया में अमेरिका सबसे ताकतवर देश कैसे बन गया, कैसे वो सुपर पावर बन गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। भारतीय होने के नाते हमें भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम भी सुपर पावर बनना चाहते हैं, हमें भी शक्तिशाली देश बनना है। तो ऐसा अमेरिका ने क्या किया जो बाकी देश नहीं कर पाए, तो इसी कहानी को आज हम जानेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मज़ा आएगा, ज़रूर इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की। किसी भी देश की ताकत को अगर आपको जानना है तो आपको उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को देखना होता है। और अमेरिका की जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। अमेरिका हमेशा फोस्टर करता है, फोकस करता है इनोवेशन के ऊपर, नई नई चीज़ें लेके आएगा, रिसर्च पे फोकस करेगा, डेवलपमेंट पे फोकस करेगा। तो ऐसी चीज़ों पे फोकस करेगा तो आप खुद ही सोचिए अमेरिका ताकतवर देश क्यों नहीं बनेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अमेरिका इंटरनेशनल ट्रेड पे फोकस करता है, कि हर एक देश के साथ ट्रेड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से डेवलप करता है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट करना, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान हो जाता है, जिससे कि अमेरिका की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे हम फोकस करते हैं। अमेरिका जो है हमेशा साइंटिफिक रिसर्च पे फोकस करेगा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लेके आएगा, ऐसी इंडस्ट्रीज पे फोकस करेगा जिससे कि उसकी इमेज अच्छी बने, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये सब जो सेक्टर्स हैं इस पर अमेरिका आज फोकस नहीं कर रहा है, बल्कि बहुत सालों से फोकस करता आ रहा है। यानी कि अमेरिका को पता था कि आने वाला जो समय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, बायोटेक्नोलॉजी का है, क्लीन एनर्जी का है, स्पेस एक्सप्लोरेशन का है, जिसका कंपटीशन आज हमें देखने को मिल रहा है, स्पेशली चाइना के बीच में, रशिया के बीच में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में। खैर, इन मामलों में अमेरिका बहुत ही आगे है, चाहे वो रशिया क्यों ना हो, चाहे चाइना क्यों ना हो, अमेरिका इन दोनों देशों से भी बहुत आगे है, इसलिए अमेरिका बहुत ही ताकतवर देश है। उसके बाद हम बात करते हैं मिलिट्री सुपीरियोरिटी की। आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो मिलिट्री है वो नंबर वन है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिलिट्री है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है। अमेरिका जो है हमेशा डिफेंस पे फोकस करता है, डिफेंस रिसर्च पे, डेवलपमेंट पे, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करेगा, स्ट्रेटजिक अलायंसेस लेके आएगा दूसरे कंट्रीज के साथ, जैसे कि अमेरिका ने नाटो अलायंस बनाया हुआ है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी हम बात करेंगे अभी। तो ऐसे जो अलायंसेस होते हैं जैसे कि नाटो है, इससे अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वो पूरी दुनिया में बना रहता है, कायम रहता है। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में अमेरिका का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, सऊदी अरब में, यूएई में, इन सब देशों में इन्फ्लुएंस है अमेरिका का, इंडिया पे भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, जो ईस्ट कंट्रीज़ हैं जैसे कि कैम्बोडिया हो गया, जैसे आपका जापान हो गया, इन पे भी अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे कि अमेरिका पूरा वर्ल्ड वाइड में सबसे ताकतवर देश बना। अमेरिका जो है हमेशा अपनी वैल्यूज़ को, अपने कल्चर को दूसरे देशों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। आप अपने भारत में ही देख लीजिए, मैकडी किसका है, मैकडी अमेरिका का है, अमेज़ॉन किसका है, अमेरिका का है, फ्लिपकार्ट किसका है, अमेरिका का है, KFC किसका है, अमेरिका का है। तो ये अमेरिका का कल्चर है जो भारतीय भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका का जब कल्चर दूसरे देशों तक पहुँचेगा तो डेफिनेटली अमेरिका इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री। दूसरी सबसे बड़ी बात, अमेरिका जो है हमेशा ह्यूमन राइट्स पे फोकस करता है, कि हर एक इंसान को उसके राइट्स मिलने चाहिए, रूल ऑफ लॉ पे फोकस करता है, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होते हैं उस पे फोकस करता है। अमेरिका उन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाता है जिस जगह पे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, रूल ऑफ लॉ हो, ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट किया जाए, सॉफ्ट पावर हो, ये सारी चीज़ें। अब चाइना है, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी है, इसलिए अमेरिका की उनके साथ बनती नहीं है बिल्कुल भी। तो जो देश डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे चलते हैं अमेरिका उन पे फोकस करता है, अपना प्रभाव डालने की कोशिश करता है, और दूसरे देश भी अमेरिका की बातें सुनते हैं, जिससे कि अमेरिका ताकतवर देश बना। अभी हम बात करते हैं स्टेम की। स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अमेरिका कहता है कि स्टेम पे हमें फोकस करना है अगर हमें दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनना है तो। इसलिए अमेरिका के जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अगर आपने देखे होंगे या होंगे, या जितने भी इनोवेशन हब्स हैं, उसमें स्टेम पे फोकस किया जाता है। यानी कि साइंस पे फोकस करना है, टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स पे हमें फोकस करना है, जिससे कि अमेरिका बहुत ही ताकतवर देश बन जाएगा अगर वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होगा तो। तो आज हमने बात की कि अमेरिका कैसे ताकतवर देश बना, बहुत सारे एरियाज पे हमने फोकस किया, तो अमेरिका ने भी इसी एरियाज पे फोकस किया, इसलिए आज अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया, और उसी चीज़ को अब इंप्लीमेंट कर रहा है चाइना, और भारत भी इंप्लीमेंट कर रहा है, लेकिन भारत की स्पीड बहुत ही कम है, इसलिए जल्द से जल्द हमें भी इन सब चीज़ों पर फोकस करना है, ताकि हम भी फ्यूचर में सुपर पावर बन सकें। थैंक यू वेरी मच।